अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। उत्तर प्रदेश में पूरी हुई अनलॉक की प्रक्रिया, 75 जिले हो गए हैं अनलॉक। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार गिरते हुए नजर आए। यही कारण है कि पहले जो शुरुआत तमाम जनपदों में जहां 600 से कम केस थे उन्हें कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करके हुई, वहीं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के 75 जिले अब कोरोना कर्फ्यू से दूर हो चुके हैं, यानी कि अब किसी भी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं होगा। हालांकि सरकार की तरफ से एहतियात बरतते हुए नाइट कर्फ्यू जारी रखा जाएगा, जिसमें शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और तमाम तरह की चीज़ों पर जिस तरीके का प्रतिबंध था, केवल ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीज़ें और जो संस्थान हैं, जो वाणिज्य और यहाँ तक कि कारोबार हैं, वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। यानी कि यूपी में अब धीरे धीरे कोरोना के कम होने के संक्रमण के साथ रफ्तार जो जीवन का है वो भी अब पकड़ना शुरू हो रहा है। हालांकि इसके साथ ही जो पहले दिन तस्वीरें दिखाई दी वो थोड़ी बहुत चिंता का कारण बन सकती हैं, क्योंकि लोगों में भी अभी भी कोरोना को लेकर के जो डर था वो भले ही कम हुआ हो, लेकिन लापरवाही कई हद तक भी देखी जा सकती है। जैसे ही बाजार खुले लोग बाजारों की तरफ गए, सड़कों पर भी अगर देखा जाए तो ट्रैफिक एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया और कहीं कहीं पर लोगों ने मास्क और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो उसके नियम हैं, उनकी अनदेखी करते भी नजर आए। यही कारण है कि सरकार ने सख्त हिदायत और आदेश भी दिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के जितने भी नियम और कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 75 जिलों में अगर कुल मिलाकर देखें तो केवल 24 घंटे के अंदर 797 नए मामले सामने आए हैं और जो कुल मामले हैं वो भी अब बहुत कम सीमित हो गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो 97% है और 0.02% ही इस समय उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को लेकर के भी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरीके से 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को टीका मिलने लगा, उसके बाद सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष बूथ शुरू किए हैं और अगले सोमवार से सब्जी फल विक्रेता, ठेला लग चलाने वाले, रिक्शा चालक, तमाम लोगों को भी अब टीकाकरण से जोड़ने की सरकार की तैयारी है। हालांकि अनलॉक की इस प्रक्रिया में सरकार को कई चीज़ों को भी देखना पड़ा, क्योंकि जिन शहरों में अनलॉक हुआ वहां से जिस तरीके से ये भी बताया गया है कि अगर मामलों में इजाफा होता है और अगर ये आंकड़ा प्रति जनपद 600 के ऊपर चला जाएगा तो दोबारा से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के केवल अब 3 से 4 ही जिले बचे हैं जहां 500 से ज़्यादा केस हैं और वहां पर भी खास तौर पर अब सरकार निगरानी रख रही है कि कैसे इसको और नीचे किया जाए। लखनऊ की अगर हम बात करें राजधानी में, तो वहां भी सक्रिय मामले कम हुए हैं और 600 के नीचे आंकड़ा जा चुका है। हालांकि चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम जनपदों से लोग आते हैं और खासतौर पर चिकित्सीय सुविधाओं और बाहर के लोगों का आगमन सबसे ज़्यादा यही होता है, इसीलिए सरकार का खास ध्यान लखनऊ के ऊपर भी है। लेकिन ये बात तो तय है कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ में लोगों में भी एक ज़रूरत नज़र आ रही है कि वो कोविड के नियमों का अभी भी अच्छे से पालन करें, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से अभी नहीं गया है और जो मामले हैं वो भले ही कम हुए हों लेकिन उनकी रफ्तार नहीं थमी है। सरकार ने भी इस बात को लेकर के जिला स्तर पर आदेश दिए हैं कि नियमों का पालन से ही कोविड को शून्य तक ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में और भी चीज़ों में इजाफा करने की उम्मीद है। हालांकि टीकाकरण पर इस समय सरकार का खास ध्यान है और जब से केंद्र सरकार की तरफ से टीके और बढ़ाए जाने की बात है उसको लेकर के भी एक नए एक्शन प्लान के साथ सरकार मोड में आती नजर आती है। यदि आपके जिले में भी अब जिस तरीके से अनलॉक हो चुका है तो कोरोना के नियमों का पालन करें और इस बात पर लापरवाही ना बरतें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मामलों में कमी आई है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।